हेलो एवरीवन, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज बिरयानी। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने सारी सब्जियों को एक बाउल में ले लिया है। मैंने सब्जियों में लिया है सोयाबीन, कटहल, आलू, बीन्स एंड मटर। उसमें मैंने डाला अदरक और लहसुन का पेस्ट, दही ये सब्जियों के अकॉर्डिंग, और उसमें इसके बाद मैं ऐड करूँगी मसाले, जिसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी लिया है और थोड़ा सा नमक और धनिया पाउडर और लाल मिर्च और बिरयानी मसाला। इन सबको मैं हाथ से मिक्स करके अच्छे से उसके बाद इसको रख दूंगी 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में, जिससे ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ये मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले और एक पतीले में मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है, और ये खड़े मसाले मैं सारे इसमें डाल दूंगी, और साथ ही 2 स्लाइसेस लेमन के और थोड़ा नमक और थोड़ा सा घी इसमें मैं ऐड करूंगी। और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो उसमें मैंने जो राइस भिगा के रखे हुए थे आधे घंटे पहले, वो सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी और उनको अच्छे से 2-4 बार उबाल आने तक पकाऊंगी। जब वो थोड़े से पक जाएंगे तो मैं उसको छन्नी वाले बर्तन में छान लूँगी सारे राइस को। तो मेरे चावल जो हैं वो उबल गए हैं, अब मैं इनको साइड रख के मसाला बनाती हूँ। मसाले में मैंने तेल में 2 प्याज को ब्राउन कर लिया है और उसमें थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और साथ ही 2 टमाटर, और उसमें बिरयानी मसाला ऐड करके मैं इसमें डालूंगी वो सारी सब्जियां जो मैंने फ्रीजर में रखी हुई थी मैंने। अब इसमें ये सारी सब्जियां ऐड करूंगी मैं और इनको अच्छे से मिला के इसको कुकर का ढक्कन बंद करके 1 सीटी लगा लूंगी, और उसके बाद हमारी सब्जियां पक के इसमें रेडी हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने चावल छान के रखे हुए थे उबाले हुए, वो इसमें ऐड कर लिए मैंने, कुकर में डाल दिए सारे, और थोड़ा प्याज और थोड़ा हरा धनिया, और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, और इसको मैं 5 मिनट्स मीडियम फ्लेम में कुकर का ढक्कन बंद करके पकने के लिए रख दूँगी। और 5 मिनट के बाद बिरयानी बनके रेडी है, और इसको मैं सर्व करने वाली हूँ गरम गरम विद टोमेटो चटनी एंड रायता। तो मेरी बिरयानी बनके बिल्कुल रेडी है।